अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे का बटन दबाकर डाक विभाग के वीडियो सबसे पहले पाएं। प्यारे साथियों नमस्कार, जय माता दी। मैं आप लोगों को सबसे पहले YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। मैं अब सीधा ध्यान आप लोगों का अपनी वीडियो पर आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हाल ही में हरियाणा में GDS BPM व ABPM का रिजल्ट आया है। जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उन सबको डाक विभाग में आने पर स्वागत करता हूं तथा अच्छे भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे। स्वागत के साथ साथ आप लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि अब इस नौकरी को भी छोटी ना समझें। हरियाणा में 95% अंक वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग इसे ज्वाइन करें। पद छोटे से बड़ा और तनख्वाह कम से ज़्यादा होती रहती है। जैसे शरीर में सिर पर बाल व उंगलियों के नाखून बढ़ाने के लिए अलग से मक्खन चाटने की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार तनख्वाह और पद अपने आप बढ़ता रहेगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की और कर्तव्य प्रणता की। मैं आप लोगों का अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि ईमानदारी आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। इसी जैसे कहावत भी है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो निकलते हैं जिंदगी में नेक इरादों से उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। सरकार शाखा डाकपालों को अब वो सभी जिम्मेवारी दे रही हैं जो उप डाकपालों को दे रखी है। अब तक BO में SB, RD, TD, सुकन्या व RPLI का कार्य किया जाता था। अब KVP, NSC, सीनियर सिटीजन व PPF का खाता भी चेक के माध्यम से शाखा डाकघर में खोलने की अनुमति दे दी है या SB के खाते में विड्रॉल फार्म साइन करके भी ये खाता खुलवा पाएंगे जो पहले सिर्फ सब पोस्ट ऑफिस में ही खुलता था। इसलिए आप लोगों के पद की गरिमा और भी ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग 3 साल बाद MTS व 5 साल के बाद पोस्टमैन का पेपर देखकर डाक विभाग को के पक्के कर्मचारी भी बन सकते हैं और बाबू भी बन सकते हैं। सीधा बाबू का पद हासिल करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए विभागीय परीक्षा देकर आप लोग आसानी से बन सकते हैं। GDS BPM व ABPM रहकर साल में 2 बार 10-10 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं और 1 वर्ष पूरा होने के बाद आप लोगों को दिवाली का पूरा बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों से के अच्छे भविष्य की मंगल कामना करता हूं और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।